हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी सुबह सुबह 6 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होंगी एंड ब्रश करूँगी एंड उसके बाद योगा करूँगी एंड उसके बाद आज का जो स्टडी शेड्यूल है वो स्टार्ट करूँगी। और मैं CGL 24 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि CGL 23 नहीं हो पाया। हाँ, माना कि मुश्किल है सफ़र, हाँ माना कि मुश्किल है सफ़र, पर रास्ते पर चलना है और मंजिल को पाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन से। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह ठीक कर ली हूँ। तो चलिए अभी करते हैं योगा एंड थोड़ा सा मेडिटेशन एंड उसके बाद आज का जो स्टडी शेड्यूल है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का जो स्टडी शेड्यूल है वो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज का टू-डू लिस्ट। तो सबसे पहले तो आज मैं स्टडी करने वाली हूँ GS, और GS में मैं बायोलॉजी करूँगी स्टडी एंड उसके बाद वोकैबुलरी स्टडी करूँगी एंड उसके बाद मैथ्स में मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा वीक है। एंड उसके बाद मैं स्टैटिक जीके रिवीजन करूँगी। तो चलिए देखते हैं कितना कवर अप हो पाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ GS में मैं बायोलॉजी कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि CGL और CHSL एग्ज़ाम में इस बार बायोलॉजी का जो वेटेज था वो ज़्यादा था GS में, तो इसीलिए मैं सबसे पहले बायोलॉजी रिवीजन कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे नोट्स भी बना के रखी हूँ अपना, जैसे कि डिजीज़ पे और ब्लड सर्कुलेशन पे और DNA रेप्लिकेशन पे, सब पे नोट्स बनाई हूँ बायोलॉजी का, तो उससे भी रिवीज़न करूँगी। और साथ में मैं लूसेंट बुक से रिवीजन कर रही हूँ बायोलॉजी, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा GS दिया रहता है। जनरल नॉलेज लूसेंट का जो है वो काफ़ी अच्छा बुक है GS के लिए, तो मैं उससे ही अभी रिवीजन करूँगी। तो चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं GS। तो GS कंप्लीट करने के बाद मैं अभी यहाँ पे स्टडी करूँगी वोकैबुलरी, और मैं वोकैबुलरी के लिए नीतू सिंह मैम का बुक ली हूँ Volume 1। तो चलिए इससे वोकैबुलरी लर्न भी करेंगे और साथ में मैं नोट्स भी बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। Thank you.
तो अभी करते हैं लंच, और आज लंच में राजमा चावल बना है जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपको भी पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं लंच कर रही थी तभी बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा था, तो मैं जल्दी जल्दी लंच करके आ गई आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी का वेदर भी है कि डेली बारिश हो ही जा रहा है। तो अभी जैसे ही बारिश कम हुआ तो ट्यूशन के बच्चे आ गए पढ़ने के लिए, तो मैं मैथ्स ट्यूशन पढ़ाने के बाद करूँगी। वोकैबलरी स्टडी करने के बाद मैं यहाँ पे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वीक है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का आज फर्स्ट क्लास कर रही हूँ और एसएससी अड्डा पे ही कर रही हूँ यूट्यूब पे। तो ये मेरा आज का फर्स्ट क्लास है ट्रिग्नोमेट्री का, और मुझे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आता है, बहुत ही कम क्वेश्चंस मैं बना पाती हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से क्लासेस कर रही हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से क्लास कर रही हूँ क्लास वन से। तो चलिए आज ट्रिग्नोमेट्री ही करेंगे मैथ्स में। तो मैं एसएससी सीजीएल 24 के लिए स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ, और स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाऊँगी और स्टार्टिंग से सारा चैप्टर्स कवर करूँगी, और आप लोगों के साथ मैं नोट्स भी शेयर करती रहूँगी वीडियोज़ में। तो ट्यूशन के बाद आज थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए मैं स्टैटिक जीके नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो स्टैटिक जीके मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।